Yeah, it was nice. And I would like to rate it around 4 out of 5. स्टोरी अच्छी थी और अक्षय कुमार का इमोशन उसमें मुझे ज़्यादा पसंद आया. जो इमोशन उसने डाला है वो बहुत अच्छा है. हाँ, वो भी एक बात है. अक्षय कुमार हमेशा, जैसे कि हम जानते हैं, वुमेंस पावर को एंकरेज करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस मूवी में बहुत सारी वुमेंस ने भी काम किया है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे वुमेंस को एंकरेज मिलेगा और बहुत अच्छी बात है. हाँ, सॉन्ग्स भी अच्छा है. थैंक यू. अक्षय कुमार की फिल्म है पहली बात तो बहुत अच्छी है, मतलब एक्टिंग भी उनकी अच्छी है. आप देख सकते हैं फिल्म मिशन मंगल, तो अक्षय कुमार निभाई अच्छी फिल्म है. रेट तो मैं 10 में से 10 दूंगा. अच्छा है, पिक्चर भी अच्छा है. उसमें जो वुमेंस का है उनको जो है, मतलब जो हेल्प मिलेगी उनको, अच्छी है मतलब मूवी भी. आप फैमिली साथ देख सकते हैं, वैसे कि अक्षय कुमार का मूवी है मिशन मंगल. सब लोग को मतलब अपने इंडिया को प्राउड फील हो रहा है कि वो मंगल में जाके आए, मंगल ग्रह. अच्छा है. So, represent कैसे लगी इंडिया को, वापस represent किया है अक्षय ने, so, ये feelings कैसे लगी? Because आप अक्षय के बहुत बड़े फैन हैं. हाँ, वो तो है, अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ. पर पिक्चर अच्छी है वो, मेरे को मालूम है पिक्चर बहुत अच्छी है मिशन. बहुत कुछ अच्छा लगा. पहले तो उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगी मेरे को, प्लस पॉइंट. मिशन मंगल बहुत ही अच्छी मूवी है. जैसे कि हम जानते हैं कि वो अक्षय की हर एक मूवी सोसाइटी को कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाती है, तो इस बार भी अक्षय की मूवी बहुत अच्छी मैसेज दे के गई है. और बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेल को जितना सपोर्ट किया गया है उतना मेल को भी सपोर्ट किया गया है, एंड बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. और रही बात गाने की, बात करें मूवी की, तो हाँ, जो हैशटैग वाली सॉन्ग है जिसमें ओम मंगलम हैशटैग, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिकॉज में जितनी कॉमेडी है बहुत ही मज़ेदार है. एंड अक्षय की बात करें तो वो खुद में ही सुपरस्टार है. और मूवी की निर्देशन बहुत अच्छे से निभाया गया है. और विद्या बालन, प्रीति, तपसी पन्नू बहुत बहुत अच्छे रोल किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी. और मैं मूवी को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगी. मिशन मंगल अच्छी मूवी थी. इट शोज द पावर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड हाउ फार हम जा सकते हैं. ये बहुत ज़रूरी है फॉर द बडिंग साइंटिस्ट. अच्छी मूवी थी. बात करते हैं यहाँ पे कहीं पे गर्ल्स पावर दिखाए गए, तो वो गर्ल्स पावर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गर्ल्स पावर तो है ही, बट साथ में देर इज़ ऑल्सो मेल पावर. वो बैलेंस जो है काफ़ी अच्छे से दिखा है. तो कौन सी कास्ट बहुत अच्छे लगे इसमें? स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बट दे ऑल वर अमेजिंग. दे ऑल आर वेरी गुड एक्टर्स. सो कोई मैसेज छोड़ के आती है? यस, कि ड्रीम अगर है तो उसको परस्यू करो. ड्रीम है तो परस्यू करो इज द मैसेज. स्टार देना चाहेंगे मूवी को? आई थिंक अबाउट 4.5. ज़रूर, बहुत ही अच्छी मूवी थी. एक्सेलेंट मूवी. आई थिंक इट्स फुल पैसा वसूल. एंड वी एक्चुअली गॉट टू सी हाउ यू नो दे सेंड रॉकेट्स एंड यू नो ऑल दैट स्टफ रियलिटी में पास से कैसे दिखता है. सो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग दैट इंडिया हैज़ कम अप विद सच अ वंडरफुल मूवी, एंड आई एम वेरी हैप्पी. इट्स बीन द बेस्ट सरप्राइज. कास्ट कैसे लगे मूवी के, जो एक्शन थे, बायोग्राफी थे, वो कैसे लगे? एक्सेलेंट. आई थिंक दैट मेड द मूवी कम अलाइव इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. द यू नो कैसे वो रॉकेट पहुंच रहा है, कैसे कैमरा बाहर आता है, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली एसेंशियल. एंड वो इतने अच्छे तरीके से किया है, इट्स फैंटास्टिक. गाने की बात करें, मूवी के गाने कैसे लगे आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. यू नो दिल वे मार्स है, वो अब तक दिल वे ऐसे गूंज रहा है. बहुत ही अच्छे थे गाने भी. कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 5, फुल 5. इट्स वंडरफुल. इट्स अ कंप्लीटली वंडरफुल मूवी. आई एम द फैन ऑफ अक्षय कुमार, विद्या, ऑल द, आई एम द फैन ऑफ ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु आर अ पार्ट ऑफ दिस मूवी. ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम अ इंजीनियर माईसेल्फ, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इज सिंस माई चाइल्डहुड. Yeah, I wasn't great academically, but yes, when it came to being very curious and very inquisitive about things, yes. What the movie has shown, it has not shown how, it has definitely educated, but it has shown at the end of the day ki
इंटेंट होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशंस विल कम अराउंड एंड यस ड्रीम है पर ड्रीम के साथ साथ इंटेंट भी है तो वो रियलिटी बैलेंस हो गया एंड द मूवी हैज़ मैनेज्ड क्रिटिकली कमर्शियली एंड ऑडियंस को भी एंड इट हैज़ रियली टच द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मूवीज. जब तक क्या था एक मूवी में मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस लगी कि इफ़ यू आर इमोशनली इंक्लाइंड मेंटली एंड फिजिकली यू आर इन टू इट एंड रीचिंग मार्स इज रीचिंग मार्स वॉज द इंटेंट एंड दिस इज वॉट इट वॉज द इमोशन दैट इज वाई इट बिकेम सक्सेसफुल. एक्चुअली मूवी में रिसोर्सफुलनेस बताया है जो मैंने पकड़ा मूवी में कि साइंस इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव थिंग्स इट इज़ अबाउट हाउ रिसोर्सफुल हम लोग जितना हो सकते हैं. मूवी में अगर देखा गया तो रिसोर्स मतलब हर एक जगह से सॉल्यूशंस थे आइडियाज थे बट एट द सेम टाइम इट हैड टू बी अ कमर्शियली सक्सेसफुल थिंग. तो इवन प्रोजेक्ट इज वॉट इट वॉज माई लर्निंग फ्रॉम दिस मूवी. मूवी में मतलब हम जानते हैं कि 2 hours 26 minutes की मूवी है तो कौन सी पार्ट है जो आपको बेस्ट लगा? कौन सा बेस्ट लगा? एक्चुअली नॉट एक पार्ट नॉट जस्ट वन पार्ट एक्चुअली देर आर मैनी. द मेन थिंग मैं जो सीखा इसमें टीम बिल्डिंग कि टीम बिल्डिंग के लिए यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट प्लेयर्स यू जस्ट नीड टू बी प्लेयर्स विथ इंटेंट टू विन. तो वो एक इंटेंट था मेरा जो टेक अवे है इट्स बीन इंटेंट एंड द प्रोसेस टूवर्ड्स इट. तो आउट ऑफ तारीफ ने जो मूवी जैसे नहीं एक्चुअली तारीफ ने जो हाँ मैं मेरी लर्निंग के हिसाब से बोलूँ तो आई वुड रेट द मूवी 8.4, 8.5 on 10. बहुत अच्छी मूवी थी सारी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी साथ ही साथ स्टोरी भी बहुत अच्छा था और एक इंटरेस्ट बनाए रखा था पूरी मूवी में कि हाँ बहुत अच्छा है. सस्पेंस थी एक्टिंग नेचुरल थी एंड उन सबकी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज भी उतनी अच्छी बताई जितना कि उन्होंने मंगलयान के बारे में बताया कि जितना उन्होंने उसके बारे में अच्छे से बताया है. तो मतलब पर्सनल लाइफ में भी उनके पास में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बाद में भी उन्होंने ये सब फेस किया. तो इट्स रियली एंटरटेनिंग और हर किसी ने देखना चाहिए एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल एंड हैप्पी रक्षाबंधन. हाँ ये कहीं कहीं लगता है कि उन्होंने वुमन पावर बताया है और वो ज़रूरी भी था क्योंकि उनका काम उन्होंने किया है तो ऑब्वियसली उनको एक्सप्रेस तो करना ही था ना. मतलब अब उसको हटाकर अगर बॉयज़ लगा देते हैं तो वो जज नहीं करती उसके साथ. अक्षय सर के सामने तो फिर क्या मतलब उनके बारे में कहना तो इट्स लाइक वो तो है ही और उनमें जो कैरेक्टर उन्होंने किया है वो भी एक पावरफुल कैरेक्टर था ना. और लास्ट में भी उन्होंने मतलब जब वो मीडिया के सामने जाते हैं तो पहले फीमेल वुमेन पावर को आगे करते हैं तो दैट्स रियली गुड रियल लाइक. हाँ ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए क्योंकि मैं भी काफ़ी अपने आप को अच्छा देशभक्त मानता हूँ तो ऐसी मूवीज़ बननी भी चाहिए जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे. और हमारी अचीवमेंट है यार हमारा अचीवमेंट्स पर नहीं बनाएंगे तो क्या गैंगस्टर्स पे बनाएंगे डॉन्स पर बनाएंगे. आपने इस मूवी से क्या सीखा? बेसिकली वी शुड नॉट गिव अप थाउजेंड्स फाइव 4.5.